मैं ना सबसे बेस्ट थिंग बोलूं, आपके जितने भी सब्सक्राइबर है ना, क्या करता है एक बार ना पहले सारे फोन दिखाते हैं, बाद में बताएंगे, आप वीडियो देखो अभी आराम से पूरी, ये सरप्राइज ना एंड में देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है सर, बिल्कुल देंगे, और सबसे बड़ी बात सबको देंगे, सबको जो फोन लेने आएगा उसको तो देंगे ही देंगे, नहीं लेने आएगा उसको भी देंगे, ठीक है। और बताओ, अब हम दिखाते हैं गूगल का पिक्सल 3 XL, गूगल की सबसे ज्यादा डिमांड है, जैसे कि भैया ने आपको बताया, ये इसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आएंगे पिक्सल के ऊपर, तो आप वेट करना अगली वीडियो के लिए। आईफोन में जैसे कि सबको पता है आईफोन XR, XS और XS Max प्रीमियम रेंज में आते हैं, क्योंकि X को लॉन्च हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं अब तो। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आईफोन XR, क्योंकि ये तीन मॉडल ऐसे आपको फ्रंट और कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको भी साल हुआ ही नहीं है लॉन्च हुए। ये वीवो नेक्स, ये तो सबसे महंगा है, इसकी तो MRP भी सबसे ज्यादा है, वीवो में आई थिंक इसके ऊपर अभी तक कोई मॉडल आया ही नहीं है अगर MRP से कंपेयर करें तो, क्योंकि वीवो में नेक्स के बाद ही V15 Pro लॉन्च किया था उसकी इस टाइम। तो कैसे दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो JJ कम्युनिकेशन की सीरीज चल रही है और बहुत ही प्यार मिल रहा है, उसके लिए पहले सबसे पहले मैं थैंक यू कहूंगा आप सबको, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो वीडियो की सीरीज बनाने का कोई मतलब नहीं है, आप इतने सपोर्ट कर रहे हो तभी मैं सीरीज बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे प्रीमियम लुक में दिखा रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा जो गूगल पिक्सल की डिमांड आती है, देखो गूगल पिक्सल भी इसमें आपको दिखाने वाला हूँ, और अलग से वीडियो भी आएगी उसके अंदर, इसके 3-4 मॉडल में दिखाऊंगा, लेकिन अभी इसमें एक ही मॉडल दिखाऊंगा क्योंकि प्रीमियम लुक के साथ एक में दिखाना चाहता हूँ। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो, ज़्यादा रोज रेगुलर अपडेट इसी दुकान की चाहते हो, इस शॉप की JJ कम्युनिकेशन, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, भैया ने अपना भी चैनल एक खोला है इससे रिलेटेड, ताकि हमारे जो कस्टमर हैं उनको कोई इशू ना आए। आए दिन प्रोडक्ट चेंज होते रहते हैं, अब हम कंटिन्यू तो शूट कर नहीं सकते क्योंकि हम पूरी मार्केट को कवर करना होता है, तो उसी से रिलेटेड भैया ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना खुद का चैनल, ताकि मैं आपको अपडेट करते रहे इस टाइम पे कौन से फ़ोन अवेलेबल है और किस प्राइस में अवेलेबल है, क्योंकि हम तो आज शूट कर गए फिर उसके बाद महीने बाद शूट करेंगे तो उसके अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो आप अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक। तो यहाँ पर मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे सर मनीष भाई, तो मेरे से बड़े हैं तो सर बोलेंगे, उसमें भी कोई एतराज नहीं है। तो ये ज्यादा आपको बता पाएंगे आज क्या क्या दिखाने वाले सर, बताना। आज हम आपको सारी प्रीमियम रेंज दिखाएंगे, जितने भी हमारे पास मॉडल होते हैं आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, इनके अंदर जो भी टॉप एंड मॉडल है सारे मॉडल्स वही दिखाएंगे, और सारी वैरायटीज उन्हीं को दिखाएंगे। जैसे कि भैया ने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको लोवेस्ट रेंज वगैरह कुछ भी देखने हैं और मोबाइलों की जानकारी चाहिए, तो आप हमारा चैनल JJ कम्युनिकेशन जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको सारे फोनों की डिटेल्स मिल जाएगी। आज की लिस्ट के अंदर हम आपको सारे मॉडल्स दिखा ही रहे हैं, अभी हम वीडियो में आपको बताएंगे, बहुत ही बेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा आपको इसका, सारे प्रीमियम रेंज का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कुछ आपको फोन्स दिख रहे होंगे जो सिमिलर होंगे, लेकिन प्रीमियम लुक होने की वजह से उनको रिपीट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको गूगल प्लस पिक्सल जैसे कि होता है, गूगल पिक्सल का यहाँ पे अलग देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ और बता दूँ, S10 की सीरीज़ मैंने नहीं ली थी, यहाँ पे S10 भी मिल जाएगा और S10 प्लस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ें अलग हैं। तो सर मिनिमम रेंज कहाँ से स्टार्ट है प्रीमियम की? प्रीमियम की मिनिमम रेंज देखे तो आज हम प्रीमियम रेंज में आपको एयरपोर्ट्स भी दिखाने जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट्स सबसे लोएस्ट रेंज में 9500 के एयरपोर्ट्स, इस टाइम ब्लैक में बिक रहा है, मिल भी नहीं रहा, स्टॉक में आ भी नहीं रहा है, हमारे पास भी फिलहाल तो एक ही पीस अवेलेबल है, लेट्स सी कौन लेता है। एंड सेकंड थिंग, अगर हम देखें प्रीमियम रेंज के अंदर अगर हमारे पास मिनिमम रेंज होगी तो वो होगी 24,000, ठीक है, वो भी होगी वीवो की, वीवो की 24 बिल्कुल मिनिमम रेंज होगी इस टाइम। तो हम आपसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वीवो से ही स्टार्ट कर देते हैं, वीवो के दो मॉडल दिखाते हैं आपको प्रीमियम, जो इस टाइम सबसे ज्यादा डिमांड में है, सबसे ज्यादा डिमांडेड मॉडल है वीवो V15 Pro, जो भी रिसेंटली चली रहा है, बिल्कुल जो भी रिसेंटली चल रहा है, कंपनी इसके साथ कवर भी फ्री दे रही है और ट्रिंग को लगा इसके ऊपर फोन के ऊपर लगा ही आता है। फोन की कंडीशन देखिए, सिर्फ 5 दिन पुराना फोन है, ठीक है सर, और अभी तक इस फोन में सिम नहीं डली, सबसे मेन बात 5 दिन पुराना जरूर है बट इस फोन में अभी तक सिम नहीं डली, अगर आप इसमें सिम आज डाल दें तो आपके फोन की वारंटी आज से ही स्टार्ट होगी, और इस फोन की कॉस्ट पड़ेगी आपको 24,000, हाँ जी, ठीक है सर। और यही फोन जैसे 5-10 दिन पुराना अगर एक्टिवेटेड होता है तो 22,000 से 23,000 रुपए तक का मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाएगा, अगर आप एक्टिवेट लेना चाहो तो वो 22,000 से 23,000 का मिलेगा, और ये 24,000 का, क्योंकि ये वारंटी ही तभी स्टार्ट होगी जब आप लोगे। तो अब यहाँ पे मैं सेकंड देख रहा हूँ, अब सेकंड मॉडल है वीवो का नेक्स, नेक्स वीवो नेक्स, ये तो सबसे महंगा है, इसकी तो MRP भी सबसे ज्यादा है, वीवो में आई थिंक इसके ऊपर अभी तक कोई मॉडल आया ही नहीं है अगर MRP से कंपेयर करें तो, क्योंकि वीवो में नेक्स के बाद ही V15 Pro लॉन्च किया तो उसकी इस टाइम डिमांड ज्यादा है नेक्स, जबकि ये है आपका कितना पुराना, ये आपका है दिसंबर का, मतलब 3.5 महीने पुराना, 17 दिसंबर का है ये, और इस फोन में आपको 8 GB 128 GB मिलता है, ठीक है, मतलब हाई एंड मॉडल है ये, और ये भी पड़ता है सेम प्राइस 24,000 का।
तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये फर्स्ट टाइम मैं कवर कर रहा हूँ, ये पहले मैंने कवर नहीं किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, इसलिए प्रीमियम लुक, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि सारे नहीं देखना चाहते, उनका एक बजट होता है, उस बजट के हिसाब से हमने यहाँ पे फ़ोन आपको दिखा रहे हैं। सर नेक्स्ट हम दिखाते हैं ओप्पो। ओप्पो में सबसे ऊपर है R17 Pro, इसके बाद आता है ओप्पो फाइंड एक्स। फाइंड एक्स की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, तो हमने हमारे पास वीडियो में है भी नहीं और वो नया भी नहीं बिकता। मैं आपको R17 Pro दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो आप देख सकते हो डबल शेड के अंदर आता है, कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू है। कितना पुराना होगा सर ये? ये आपका एक महीना पुराना है, 7 मार्च, एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, 7 मार्च का। हाँ जी, डिमांड क्या है सर इसकी? ये R17 Pro पड़ेगा 30,000 का, ये नया 45,000 का। ठीक है। हाँ जी, अब हम दिखाते हैं आपको एप्पल। एप्पल स्टार्ट करते हैं। आईफोन में जैसे कि सबको पता, आईफोन XR, XS और XS Max प्रीमियम रेंज में आते हैं, क्योंकि X को लॉन्च हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं अब तो। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आईफोन XR, क्योंकि ये तीन मॉडल ऐसे आपको फ्रंट आउट कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको भी साल हुआ ही नहीं है लॉन्च हुए। ये XR देखिए, इसका कलर भी बिल्कुल लेटेस्ट है, ब्लू कलर। ये कलर आपको किसी भी फोन में नहीं मिलेगा। ठीक है सर। और ये फोन आपका है 22 दिसंबर, 4 महीने पुराना, 4 महीने 10 दिन पुराना फोन है ये आपका। और ये आपको पड़ता है 53,000 ओनली। 53,000 ओनली। नए कितने का आता है सर ये? ये नया आता है आज के डेट में, इसका बिलिंग कितने की है, 75,000 की बिलिंग है। ये अप्रोक्स 67-68,000 का नया आ रहा है अभी। बिल्कुल ठीक है सर। अब हम दिखाने जा रहे हैं आईफोन XS। XS का कलर भी आपको हम गोल्ड दिखाएंगे, जो सबसे ज्यादा डिमांडेड कलर है। ठीक है सर। पूरी कंडीशन आप देख सकते हो फ़ोन की। और बाकी एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप सर के चैनल पे जाते हो तो आपको वो चीज़ें भी पता लगेगी कि आप फ़ोन ले रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, असली और नकली। आपको हमारे चैनल पे ना सब कुछ चेक कराया जाएगा कि फ़ोन असली कैसा होता है, मतलब पहचान कैसे होती है असली की नकली की, और फ़ोन को इंटरनली चेक कैसे करते हैं, कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी आपको वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से नहीं, कहीं और से भी लेते तो वो चीज़ें ज़रूरी है आपको। बिल्कुल। ये फोन आपका है आईफोन XS है। बेसिकली आईफोन XS कस्टमर लेता भी कलर गोल्ड के लिए ही है, और इसमें डुअल सिम मिल जाता है। ये दिसंबर का है और ये 3 महीने पुराना है। ठीक है सर। और ये पड़ जाता है 75,000 का। 75,000 का। सर ये कौन से, कितने जीबी वेरिएंट है ये? 64 जीबी। हाँ जी, इसमें आपको 256 जीबी भी मिल जाएगा, और मेरे पास 512 जीबी भी अवेलेबल है, 512 जीबी। तीन वेरियंट आते हैं, 64, 256 और 512 जीबी, तीनों वेरिएंट अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है सर। अब हम दिखाते हैं आईफोन XS Max। ये टॉप एंड है आईफोन का, ये भी गोल्ड कलर है। इसका टेम्पर उतार देते हैं, जिसके वजह डिस्प्ले में गैप रह जाता है। कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और ये भी आपका 64 जीबी है। ये पड़ता है 83,000 का। 83,000 का। और मैं आपको बता देता हूँ ये कितना पुराना है, जैसे कि हम आपके सामने बिल में चेक करके बता रहे हैं कितने पुराने हैं। ये 30 दिसंबर का, ये 3 महीने पुराना एग्जैक्ट। नहीं की कॉस्ट है इसकी 1,05,000। और सर आप कह रहे थे कि अगर कोई यहाँ से फोन लेता है तो उसको क्या चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो एक्स्ट्रा? मैं ना सबसे बेस्ट थिंग बोलूँ, आपके जितने भी सब्सक्राइबर है ना, क्या करता है एक बार ना पहले सारे फोन दिखाते हैं, बाद में बताएंगे, आप वीडियो देखो भी आराम से पूरी। ये सरप्राइज ना एंड में देंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल देंगे। और सबसे बड़ी बात, सबको देंगे, सबको। जो फोन लेने आएगा उसको तो देंगे ही देंगे, नहीं लेने आएगा उसको भी देंगे। ठीक है, और बताओ, ये बाद में बताएंगे। अभी अब हम दिखाने जा रहे हैं OnePlus का। OnePlus का टॉप एंड वेरिएंट अभी तो एक ही है। OnePlus भी Apple की तरह लेट ही लॉन्च करता है। OnePlus ने दिया OnePlus 60। आप कंडीशन देख सकते हैं, जैसे कि मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ कि कंडीशन के लिए तो आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। फोन आपको बेसिकली ऐसा लगेगा जैसे आपको ब्रांड न्यू ही मिल रहे हैं। और ये बिल्कुल टॉप वेरिएंट है, 256 जीबी वाला, 8 जीबी 256 जीबी। बेसिकली इसमें एक मैकलेरन एडिशन भी आता है, वो नया बिका ही नहीं है, तो सेकंड हैंड कहाँ से आएगा। ये इसका प्राइस पड़ता है 37,000 रुपये। हाँ जी। और नया ये नया 46,000 का, राइट। और ये हार्डली 1.5 महीना पुराना है। ठीक है सर। अब हम दिखाते हैं गूगल का Pixel 3 XL। गूगल की सबसे ज्यादा डिमांड है, जैसे कि भैया ने आपको बताया, ये इसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आएंगे पिक्सल के ऊपर, तो आप वेट करना अगली वीडियो के लिए। और भैया का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही पिक्सल के ऊपर नई वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे एक मॉडल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये प्रीमियम लुक में आ जाता है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें पिक्सल छूट ना जाए। गूगल का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सर, इसके बारे में डिटेल दीजिए। ये गूगल पिक्सल 3 XL गूगल का टॉप एंड वेरिएंट है ये, और 64 जीबी इसकी इंटरनल होती है, 4 जीबी रैम होती है,
और ये हार्डली डेढ़ महीना पुराना है, डेढ़ महीने पुराना, सिर्फ डेढ़ महीना पुराना है। नए की इसकी MRP 83 है, जबकि ऑनलाइन कई वेबसाइट पे 67 का शो हो रहा है, मार्केट में नहीं मिलता। हम आपको फिर भी प्राइस क्लोज कर रहे हैं कि 67 का ऑनलाइन कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो ये हमारे पास पड़ेगा आपको लास्ट 50,000 का। 50,000, हाँ जी, डेढ़ महीना पुराना आप देख सकते हो, 50,000 का यहाँ से मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया कंडीशन है, व्हाइट कलर आपको देखने को मिल जाता है और गूगल का पीछे निशान आप देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। आपके हाथ में सर इसी चीज के पैसे हैं, बिल्कुल, क्योंकि गूगल ही एंड्रॉइड को लेकर आया था। हाँ, अब हम दिखाते हैं सैमसंग के 2 वेरिएंट, नोट 9 और S10 प्लस। तो यहाँ पे जो सैमसंग के टॉप वेरिएंट है, जैसे कि S10 प्लस इससे ऊपर है नहीं और नोट 9 से ऊपर नहीं है। नोट सीरीज का टॉप मॉडल ये है, नोट सीरीज में टॉप मॉडल नोट 9 है, S सीरीज का S10 प्लस है, ठीक है। सैमसंग का नोट 9 का हम कलर भी आपको लेटेस्ट दिखा रहे हैं, जो बाद में आया था पर्पल कलर, जब नोट 9 लॉन्च हुआ था तब नहीं आया था ये, और ये पुराना भी हार्डली 20 दिन होगा। एक मिनट वो भी हम कंफर्म कर देते हैं कितना पुराना है। ये आपका है 21 मार्च, 20 दिन भी नहीं हुए इस बात को, हार्डली 10 डेज ओल्ड है, 10 दिन पुराना। हाँ जी, ये आपको पड़ता 46,000 का, 46,000 का। नया कितने का होता है? नया आता है 58,000 का, MRP 66 होती है, 12,000 कम होगा सीधे। हाँ जी, वो भी 10 डेज में, 10 डेज में। तो आप देख सकते हो 10 डेज पुराना, यहाँ से आप ले सकते हो। अब चलते हैं S10 प्लस की तरफ। अब हम दिखाते हैं सैमसंग का गैलेक्सी S10 प्लस, ब्लैक कलर। हम इसके लेमिनेशन हटा ही देते हैं ताकि इसकी शाइन प्रॉपर आ जाए। आप कंडीशन देखिए, ये लॉन्च भी अभी हुआ है बिल्कुल जस्ट, ये हार्डली इसका सामान भी सारा पैक है। और ये आपका है 20 मार्च का, ये 10 डेज ओल्ड है, सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस 10 डेज ओल्ड ओनली, ये सिर्फ 10 दिन पुराना है, सिर्फ 10 दिन पुराना है। ये आपको पड़ता है 60,000 का, 60,000 का। नए का प्राइस इसका 74,000 है। आप अगर HDFC के क्रेडिट कार्ड से लेते हो तो 6,000 रुपये आपको वहाँ पे कैशबैक भी मिलता है नए पर। अगर आप सेकंड हैंड लेते हैं तो कोई कैशबैक का झंझट नहीं, आपको कंप्लीट कैश देना है, वो आपके ऊपर, आप अकाउंट ट्रांसफर, पेटीएम, कुछ भी कर दे, आप ऑलमोस्ट नहीं है, 10 दिन का, 10 दिन पुराना है, 60,000 का यहाँ पे मिल रहा है। और वेरिएंट क्या होता है इसमें, मैं आपको बता देता हूं, 128GB बिल्कुल, ये 8GB होता है और 128GB इंटरनल मेमोरी होती है, डुअल पिक्सल इसमें कैमरे होते हैं, सुपर स्पीड डुअल पिक्सल 12MP, ठीक है। वाटर रेसिस्टेंट, डस्ट रेसिस्टेंट होता है। अब मेन चीज रहेगी एप्पल के एयरपोर्ट्स, बेसिकली सारे जानते हैं एप्पल के एयरपोर्ट्स के बारे में, तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये 3 महीने पुराने हैं, सिर्फ 3 महीने पुराने, आपकी वारंटी सर्विस सेंटर से 9 महीने की इसके लेफ्ट है। ये तो मैं बता दूं कि ये मिलते नहीं है, हाँ फिलहाल ये आई नहीं रहा है स्टॉक में, नया भी नहीं आ रहा है ये, और नया किसी के पास रखा भी है तो MRP से ऊपर है, कोई भी MRP पे नहीं देगा क्योंकि स्टॉक है ही नहीं, तो ब्लैक में जा रहा है। कितने का आता है सर MRP इसके? MRP 12990, 12990 की MRP है इसकी, और बेसिकली मार्केट में 14,000 रुपए का बिकता है, 14,000 का बिकता है। देखो कोई डुप्लीकेट नहीं है, सब कुछ अंडर वारंटी है, सीधी सी बात, अंडर वारंटी है तो डुप्लीकेट का चांस ही नहीं है। और यहाँ से जितने भी कस्टमर लेके गए हैं, आप मेरे कमेंट पढ़ सकते हो, संतुष्ट हैं, बहुत ही हैप्पी हैं। और मेन बात आती है नेचर के ऊपर, भैया का नेचर भी बहुत अच्छा है, किसी को नाराज करके भेजते नहीं, मतलब 1,000-2,000 की बात होती है तो दे खुश करके भेजते हैं। अब देखो आपने वीडियो देख ली पूरी, सरप्राइज रह गया, याद है सबको, तो मैं बता देता हूँ सबसे मेन सरप्राइज ये है, जितने भी सब्सक्राइबर सब सीखे जाने से आते हैं, वहाँ पे जितने भी सब्सक्राइबर आते हैं हमारे पास, सबको टेम्पर्ड ग्लास हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री। फोन लोगे तब तो मिलेगा, अगर आप फोन नहीं लेते तब भी आप आइए अपने फोन पर टेम्पर्ड ग्लास लगवा कर जाइए, ठीक है सर। आपने इतने अच्छी अच्छी वीडियोस दी और ये गिफ्ट दिया, गिव अवे दिया, एक तरीके से वही हो गया कि कोई आसपास भी रहता है तो फ्री में लगवा के जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात, हाँ जो पास में रहता है उसके लिए तो बहुत सिंपल है, आप आइए अपने फोन पे टेम्पर लगवा के चले जाइए, आपका टेम्पर नहीं टूटा होगा हम तब भी बदल देंगे, अगर आपका मन कर रहा है बदलने का तो, थैंक यू सर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।